अगर गोपिका दया की मूर्ति है तो उसका भाई मुन्ना हफ्ता वसूली करने वाला गुंडा। पापा ये हमारा ग्राउंड है, इसे यहाँ क्यों लाए हो? अभी तेरा बाप खेलेगा, जाए। जो मुन्ना से उलझेगा उस पर कहर बरसेगा। तू हफ्ता क्यों नहीं देता है बे? चला जे काम करते हैं, आज मुझे धुलाई करने का नहीं खेलने का मूड है। अगर उसको ये पता लग जाए कि मोदी परिवार ने 20 सालों से उसकी मां के साथ क्या किया है तो फिर तो आप तो क्या करने वाले हो? प्रिया का बदला लूंगा, मुझे मुन्ना का एड्रेस चाहिए। मुझे आप क्यों लेके आए हो मुन्ना भाई? अरे मेरे पास पैसे नहीं है आपको हफ्ता देने के लिए। अच्छा तो ताराम हाँ भाई, बता ऐसे बच्चों के बारे में। ओके तो छोड़ दे। क्या यार भाई, सुना है एक तो इंग्लैंड में है और दूसरा अपना वो क्या था यार जहाँ पे काजोल और शाहरुख की पिक्चर की शूटिंग होती है? स्विट्जरलैंड। हाँ भाई स्विट्जरलैंड, और सुना है फुल मस्ती हो रही है दोनों लौंडों की। अच्छा तो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भेजने के लिए तेरे पास पैसा है और अपने को हफ्ता देने के लिए पैसा नहीं है? बताऊं तेरी कारनामा, तू कैसे पैसे कमाता है? आंटी क्या मिलाता मसाला में? लकड़ी की पाउडर। हाँ, और गेहूं और चावल में अंकल? कंकड़। और देसी घी में? टाटा। तो इन गरीबों की बचत की चपत करके तू बोलता है कि तेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए है? अरे झूठ है सब, मैं शुद्ध माल बेचता हूँ। अब बच्चों को भेजा है वो लोन पे, कुछ नहीं है बचत, प्रॉफिट कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, अब हम ना एक गेम खेलेंगे। वैसे तू एकदम स्टंप लग रहा है, स्टंप माफिक, क्या बोलता है? अब तू बनेगा स्टंप, वहां से मैं फेंकूंगा बॉल। अपने आप को विकेट कीपर मत समझ लेना, बॉल आएगी अगर तुझे लगा तो मेरा खिलाड़ी आउट। आउट बॉल ले बेटा। ना भैया मैं करूँ ना भाई, माफ करो कुछ नहीं है मेरे पास। अरे भैया अरे भैया, माफ करो मुन्ना भाई, माफ करो, सब जोड़ टूट गए अभी मेरे। मैं आपका हफ्ता दे दूंगा और कभी भी मिलावट नहीं करूंगा। ये सब अपने अपने घर जाओ, हो गया काम। चलो चलो निकलो, चलो ए उठ जा। ये ले तेरे इलाज का सामान, फ्री में दे रहा हूँ। और हाँ, अपने ये काले धंधे बंद कर, अगर नहीं किया ना तो हफ्ता डबल और मार उससे ज्यादा डबल। गरीबों का पैसा खाता है। पकड़। चल 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 निकल। वाह भैया वाह, आप तुम्हारे रॉबिन हुड हो, अमीरों का पैसा गरीबों को ट्रांसफर। मान गए भैया मान गए। मजा आ गया। तो
ये है मुन्ना, मजा आ गया। उदियों की आगे जाकर क्या हालत करेगा, मुझे तो ये सोचकर अभी तो मजा आने लगा। मुन्ना भाई, 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 वो, अभी इसकी तो बोलने से पहले ही गीली हो गई। क्या है, बोलेगा भी? किसी को करवाना है, पैसे निकलवाने हैं, क्या है? नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था, वो कह रहा था भैया, भाभी, अरे भैया कल मिलते हैं। तू मुझे ये इतना मिस कर रही थी, मुझे लग जाएगी, मुझे तो यहाँ मिलने आ रही, मुझे लग जाएगी, मुझे क्या? ये चिकनी चुपड़ी बातें ना, अपने बात ही रख। और ये बताओ, तू बस गैस खाली, अब भरवाया क्यों नहीं? अरे वही तो काम करने गया मेरी लज्जू। कौन सा काम? घर के काम भी देख ले, घर में चावल नहीं है, गैस नहीं है, कब भरवाएगा? अरे कब देखेगा वो? उसी के पैसे से जिससे मैंने वसूली की है, वही तो लाके सारा राशन भरेगा घर पे। सिलेंडर, सिलेंडर कौन लाएगा? ये सिलेंडर, तू सिलेंडर वाला? अगर तू सिलेंडर वाला तो अरे सिलेंडर क्या कहते हैं, मैं गैस सिलेंडर वाला नहीं हूं। ये सिलेंडर वाला नहीं, अरे मैं तू सिलेंडर वाला नहीं हूं। टाइम खोने क्यों कर, चल अरे भाग यहां। अरे ये तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि गुंडा मैं हूं कि तू। अरे उसे ये टकला खड़ा है, मुझे लगता है कुछ पूछने है। पूछ, क्या कर रहा है? चल बे जल्दी बोल, बोल क्या बोलना है। हाँ वो, मैं एक्चुअली तुम्हारी माँ सुभद्रा के बारे में बताने आया था। मिस्टर मोदी, साइन कीजिए। कन्फेशन लेटर है, उसमें यह लिखा है कि आपने गोपिका के पिता का खून किया था। साइन कीजिए। साइन कीजिए। हमने बहुत सारी गलतियां की है, अब सही समय आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। सुभद्रा बेन पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब उनका जेल में रहना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए सही तो यही होगा, सक्षम के पिताजी आप इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। इस मुद्दे पर साइन कीजिए। मैं साइन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो करना था आप कर चुके हो, अब हमारी बारी। अपनी गलती छुपाने के लिए किसी और के साथ अन्याय किया आपने, अपनी माँ को न्याय मैं दिलाऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है। सालों से करते आए हैं,
कबाट के अंदर का राज इसकी सच्चाई अब हमारे सीने में दफन रहेगा। पता नहीं माँ ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, किसी ने खाना दिया होगा उन्हें, बिना खाए वो दवाई कैसे लेंगी। घर का खाना माँ को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे हाथ का खाना वो जरूर पहचान लेंगी, उन्हें लगेगा कि मैं खुद उनके पास बैठ के उन्हें खिला रही हूँ। गोपिका क्या कर रही हो? माँ के लिए खाना पैक कर रही हूँ, पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिलेगा और खाएंगी भी या नहीं। तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। हाँ गोपिका। जी माँ जी। तुम्हें ये टिफिन ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों माँ जी? मतलब मैं बस इसलिए ले जाना चाह रही थी क्योंकि पता नहीं जेल में माँ ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, शायद वहाँ का खाना भी उन्हें पसंद नहीं आए और मैं चाहती हूँ कि समय पे वो दवाई ले ले। संभालो अपने आप को गोपिका, मैंने तुम्हें टिफिन ले जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि सुभद्रा बेन खुद हमारे घर आने वाली है। माँ घर आ रही है? हाँ गोपिका, सक्षम के पिताजी को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी और इसलिए सबसे पहले सुभद्रा बेन का घर आना जरूरी है। मैंने वकील को बुलाया है, वो सब कुछ सुनिश्चित कर देंगे। सक्षम जी मैं समझ सकती हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, आपके पिता है वो। हाँ गोपिका, वो जिनकी जान की वो तुम्हारे पापा थे। मेरी और मेरी माँ के लिए मुश्किल है लेकिन जरूरी भी तो है क्योंकि लड़ाई सच्चाई की है और तुम्हें पता है ना जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बाहर बात नहीं हो रही थी क्या? जो इसे घर पे ले आए, खाना भी ठूसेगा ये। अरे यार फुलझड़ी, तू अपना काम करना, बात आते क्रिकेट करते रहती है, देख रहा ना बात चल रहा है यहाँ पे। तू बता किसने भेजा तुझे यहाँ पे? अहमद डॉन ने भेजा है या अफजल डॉन ने? अहमद अफजल? नहीं भाई, मैं किसी अहमद अफजल को नहीं जानता। इतनी बार बोला है पटाके नीचे ये बाहर फोड़, पर यहाँ मत फोड़, समझ में नहीं आता है तेरे को? लेके जाना उसको अंदर। हाँ हाँ ठीक है, बस दो मिनट में ये गैस बंद कर देना, चल। अबे अब एक ही स्पीड पे बोल। देखो मेरे पास ना तुम्हारी माँ के बारे में एक सॉलिड इंफॉर्मेशन। खूनी माँ? अरे यार खून तुम्हारी माँ ने नहीं किया था, खून तो किसी और ने किया था और इल्जाम तुम्हारी माँ पे लगा दिया। और तो और पिछले 20 सालों से उसे एक कमरे में बंद करके रखा है और बेचारी पे इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, इतने अत्याचार किए जा रहे हैं कि उसे मानसिक रोगी बना दिया है। मैंने तुमसे कहा था ना गैस बंद कर देना, गैस बंद है तो मतलब आग इसके अंदर लगी है। मुन्ना तू ठीक है ना?
मुन्ना, साफ साफ बता किसने फंसाया मेरी माँ को? मुझके मोदी परिवार, वो जिनके पेमेंट का धंधा। और पता उनकी बड़ी बहू कौन है? तुम्हारी बहन गोपिका। गोपिका, पता नहीं बेचारे को कौन सी घुट्टी पिला दी है, उन्हीं का गुणगान गाती है। तो वकील साहब, ये सुभद्रा जी की मेडिकल रिपोर्ट्स है, डॉक्टर टेस्ट। इतने डॉक्यूमेंट्स बहुत हैं, उनके जरिए हम कोर्ट में ये प्रूफ कर सकते हैं कि सुभद्रा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर उनको बेल तो गारंटेड मिल जाएगी। हम वकील साहब, बात सिर्फ बेल की नहीं है, बेल के बाद सजा की तलवार तो लटकती रहेगी ना मेरी माँ पर, उसका क्या करें? बात तो आपकी सही है, बेल को आप पूरी तरह से आजादी तो नहीं कह सकती है। अगर ये बेकसूर हैं, असली कसूरवार का पता लगने पर ही सुभद्रा जी पूरी तरह से फ्री होंगी। इसका मतलब अगर मेरी माँ को बचाना है तो मुझे अपने पिता समान ससुर को जेल भेजना ही होगा। वकील साहब, अगर मेरी माँ को बेकसूर साबित करना है तो गुनेगार को सजा देनी पड़ेगी। इसके बारे में बात कर रही हैं आप? गोपिका, तुम्हारी दुविधा मैं समझ रही हूँ, परेशान मत हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ। सक्षम के पिताजी ने गोपिका के पिताजी का खून किया है, यही सच है। वकील साहब, आप कैसे अर्थ कीजिए, आपसे जो बन पड़े आप कीजिए, बस गोपिका की माँ बेगुनाह साबित होनी चाहिए। भले मेरे बॉम्बर्स केस के खिलाफ लड़े, लेकिन हमें ये केस जीतना है। ठीक है, नमस्ते। को बचाने चले थे पर अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। उस वक्त जैसे तैसे करके उस इन्वेस्टिगेशन को हमने दूसरी दिशा में मोड़ दिया था और सारा दोष सुभद्रा पे डाल दिया था, लेकिन अगर ये केस फिर से खुल गया सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं, उस रात की सच्चाई को बाहर नहीं आने दे सकते ना, हमें तो दबा कर रखना होगा। किसी ने बताया इनको क्या हुआ उस रात को? और सुनिए ना, हम क्या करेंगे? मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। गोपिका, गोपिका चलो तुम्हें लेने आए, तुम्हारी बेल हो गई है। गोपिका आई है, मेरी गोपिका आई है। गोपिका आई है मेरी, गोपिका। माँ,